सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ट्रेडिंग जोन पर। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और ये स्ट्रेटजी एक मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग पीपल हैं, वो मार्केट में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ के लिए एक मंथली स्ट्रेटजी बना के डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मार्केट में प्ले आउट कर सकें। एंड जो लोग मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, जो कि बीटीएसटी स्ट्रेटजी या वीकली स्ट्रेटजीज करते हैं, वो लोग भी चाहे तो इस मंथली स्ट्रेटजी को प्ले कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से कैरी करना है, हम लोग का स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, हम लोग को कितनी फंड की नीड होगी इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से प्ले करना है। सो स्ट्रेटजी को समझाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो वो कंसीडर कर सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिल सके और आप लोग भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। एंड अगर किसी ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, वहां पर मैं पर्सनल ट्रेड्स एंड मार्केट में अपना ओपिनियन भी शेयर करता रहता हूं, तो आप लोग को उससे भी काफी सारी हेल्प मिल सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपसे कोई भी हमारे साथ ज्वाइन करके लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वह हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करता है, वहां पर डिस्कस करके हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, वो बैंक निफ्टी मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का जो इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, वो होने वाला है बैंक निफ्टी, यानी कि इस स्ट्रेटजी को हम लोग बैंक निफ्टी में बनाएंगे। अब आप लोग चाहो तो इस सेम स्ट्रेटजी को निफ्टी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस मंथ दिसंबर मंथ के लिए आप लोग ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बनाए। इसका थोड़ा सा मैंने डाटा रीडिंग किया, तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में आप लोग को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दिसंबर मंथ के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग कि यह स्ट्रेटजी आप लोग बैंक निफ्टी में ही बनाएं। इस स्ट्रेटजी में आप लोग का मार्जिन कितना लगने वाला है, तो मार्जिन लगने वाला है 3 लाख, यानी कि 3 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा आप लोग को इस स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए। एंट्री कब करनी है स्ट्रेटजी हमें, तो वो करनी है स्टार्टिंग डे ऑफ न्यू एक्सपायरी, यानी कि जब भी न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तब आप लोग को इस तरीके की स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से हमें एग्जिट कब करना है, तो करना है एक्सपायरी डे, यानी कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको कैरी करेंगे एक्सपायरी डे तक। एक्सपायरी डे पे जो भी होगा, वहां पर हम लोग एक बार चेक करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर बुक करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम लोग स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग अपना 1% ऑफ अवर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का 3 लाख का कैपिटल लग रहा है यहाँ पर, तो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 1,500। अगर हमें अपनी स्क्रीन पे 1,500 रुपए का लॉस दिखेगा, तो हम लोग बुक कर लेंगे। अगर आप लोग ज्यादा लॉट चेक कर रहे हो, तो वहां पर आपका जितना भी कैपिटल लग रहा है, उसका 0.5% निकालिएगा और उतना ही स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। अगर आपके सीन में उतना रेड में दिखता है, तो आप लोग निकल जाइएगा और आप लोग दूसरे ट्रेड्स वहां पर करना स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग एंड तक होल्ड करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में हम लोग टारगेट क्या करेंगे, टारगेट करने वाले हम लोग 3% मंथली रिटर्न, यानी कि कोशिश करेंगे कि 3% के आसपास का रिटर्न हमें जनरेट हो सके। अब हो सकता है, देखो कि काफी सारे लोग को 3% का रिटर्न कम लगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैंने 3% की कंपाउंडिंग शो करी है, कि अगर आप लोग हर महीने 3% का भी रिटर्न जनरेट करते हैं, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप लोग कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाले हो। 3% बहुत ज्यादा होता है शेयर मार्केट में, अगर आप लोग कंसिस्टेंट 3% भी अर्न कर रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाले हो। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है और इसका पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से दिखने वाला है। तो मैं अपने ऑब्स्टैकल प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। अब स्ट्रेटजी बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जिस भी इंडेक्स में आप लोग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, उस इंडेक्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। एक्सपायरी क्या होने वाली है हमारी, दिसंबर, तो दिसंबर में 28 दिसंबर को हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर मैंने डेट ले ली 28 दिसंबर। अब आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाना है, ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, तो यहाँ पर मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है 44,466, यानी कि मेरा एटीएम चल रहा है 44,500 के आसपास मेरा एट द मनी चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉल और पुट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको पुट सेलेक्ट करना है। नाउ आपको 200 पॉइंट्स इन द मनी जाना है और आपको एक पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। तो 200 पॉइंट्स इन द मनी कितना हो गया, 44,500 से 200 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा तो हो जाएगा 44,700। तो मैं यहाँ पर 44,700 का एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। नाउ मैं इससे 1000 पॉइंट्स ओटीएम, यानी कि नीचे की तरफ क्या करूंगा, दो पुट ऑप्शन सेल करूंगा, तो मैं 43,700 के दो पुट ऑप्शन यहाँ पर सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको दो लॉट
सेल कर दिए, ठीक है। अभी आपकी हाफ स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई है और अभी आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो अभी इस स्ट्रेटजी में हमारी यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है और रेंज काफी छोटी है, हमारी सिर्फ 3-4% की रेंज है। तो इस रेंज को किस तरीके से बढ़ाना है आज मैं ये आप लोग को समझाने वाला हूँ। अब सिंपली आप लोग को क्या करना है, आपने जहां पर भी दो लॉट सेल करे वहां से 200 पॉइंट्स और ओटीएम जाइए, यानी कि 43,500। तो यहाँ पर मैंने 43,500 सेलेक्ट किया, उसका एक पुट ऑप्शन बाय करिए। तो यहाँ पर मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। नाउ आप लोग यहाँ से सीधे 2,500 पॉइंट नीचे जाइए, यानी कि 41,000 का जो पुट है उसके 6 लॉट सेल कर दीजिए और आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 5-6 लॉट यहाँ पर मैंने सेल कर दिए और आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई। अब आपका स्ट्रेटजी का पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई है। अब एक बार पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी में हमारा मार्जिन कितना लगा, मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, ब्रेक इवन क्या है स्ट्रेटजी में, और हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मार्जिन कितना लग रहा है। तो वो लग रहा है 2,97,000, यानी कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अंडर 3 लाख में स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी। तो 3 लाख के अंदर आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, यहाँ पर बता रहा है 5%, यानी कि 5% तक का आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी में। यानी कि कितने रुपए आपके कैपिटल के ऊपर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो होता है 15,000 रुपीज के आसपास का आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 3%। अगर हमें 3% मिलेगा तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज हम लोग तो एक्सपायरी तक रुकने वाले हैं, या फिर हमारा 1,500 का स्टॉप लॉस सेट हो जाए तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, या फिर हमें 3% का रिटर्न मिल जाए तो एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग एंड तक बिल्कुल यहाँ पर रुकने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी स्ट्रेटजी में, वो है नियर 99%, यानी कि इस ट्रेड में आपको 99% चांसेस है कि आपको इस स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है। बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस या फिर लॉस हो, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आपको इन टाइप की स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट ही होता है। सो आई होप कि आप लोग को स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई है। अगर अभी भी कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सेकेंडली जो दूसरा डाउट आता है कि सर आपने नीचे के लिए तो स्ट्रेटजी बना दी, क्या सेम स्ट्रेटजी हम लोग ऊपर के लिए बना सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल है तो आप लोग दोनों साइड के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ डाउन साइड के लिए बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को यही स्ट्रेटजी अपसाइड में किस तरीके से बनानी है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस स्ट्रेटजी को अपसाइड के लिए कैसे बनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकता है। आप लोग से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग वहां पर डिस्कस करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।